देखिए आज मैं इस धरती पर बैठी हूँ और मैंने ये जिस तरीके से हमारे चुनाव को रद्द किया गया है ये लोकतंत्र की हत्या है और इसी पर हमने सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज जो आम छात्र जो संघर्ष कर रहा था विश्वविद्यालयों में जो आम छात्रों की आवाज़ को उठा रहा था आज मैं खुद अर्थी पर लेटी हूँ और मैं सरकार को ये चेता देना चाह रही हूँ कि आप लोग चुनाव हमारे उम्मीद के भरोसे लड़ते हैं जो आपका युवा है उसकी स्थिति आपने ये बना रखी है तो अवश्य ही जो आने वाले छात्र वो विधानसभा चुनाव है उसमें आपका जो स्तर है वो हम जरूर गिरा कर रहेंगे जो हमारा आक्रोश है हम आपको जता कर रहेंगे जी। देखिए मैं पिछले 5 दिनों से हम लोग भूख हड़ताल पर थे, कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मुझे भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी, इसी वजह से तोड़नी पड़ी कि सरकार की तरफ से हमारे से बातचीत करने कोई व्यक्ति नहीं आया है और ना ही मुख्यमंत्री साहब ने या फिर उनके किसी भी सरकार के प्रतिनिधि ने किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया है। पूरे समस्त राजस्थान में हर लेवल पर हर छोटी कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में छात्र अपने अपने स्तर से आक्रोश जता रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके का कोई बयान अभी तक नहीं दिया जा रहा है तो हमें सिर्फ एक यही रास्ता दिखता है अपनी मांग तक पहुंचाने का। देखिए यही चीज़ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है वो इतना कमज़ोर है कि हम लोग तो बाद में धरने पर बैठे हैं, वो तो कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और लगातार उनका धरना जारी है। जिस तरीके से एडमिशन प्रोसेस बीच में रुका हुआ है, एग्ज़ाम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, ना पीजी के एडमिशन हुए हैं ना यूजी के एडमिशन हुए हैं, हर तरीके का जो काम है वो पूरा अटका हुआ है और कुलपति जी अभी भी अपने आवास में आराम से चैन की सांस ले रहे हैं। जो छात्र है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुलपति जी ने कह दिया कि हमारा जो फीडबैक दिया वो नेगेटिव दिया, इसी वजह से दिया क्योंकि जो छात्र नेता है वो उनसे डंके की चोट पर काम करवाता है और प्रशासन काम करना नहीं चाहता है। तो आप इस तरह देखिए कि जब छात्र खुद ही लाचार है तो किस तरीके का काम होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज बंद है, संगठक कॉलेज बंद है और आम छात्र परेशान हो रहा है। अभी से ये स्थिति बन गई तो आप देखिए अगर लगातार छात्र संघ चुनाव बंद रहने वाले हैं तो छात्र की परेशानी इस तरीके से बढ़ने वाली है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे छात्र संघ चुनाव के प्रति कोई घोषणा नहीं कर देते हैं हम लगातार इसी तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। हमारे साथियों को रिहा करने की जब तक हम अपनी यूनिवर्सिटी का गेट हमने बंद कर दिया है और जो प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर जो राजस्थान सरकार आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है युवा वर्ग उसको कतई सहन नहीं करेगा और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। सरकार की तरफ से हमारी कोई वार्ता अभी तक नहीं हुई है जबकि सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आज धरने का 5वां दिन है, हमारे साथी भूख हड़ताल पे है, लगातार लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है लेकिन सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक कोई वार्ता ना कोई वार्ता करने के लिए आए ना ही कोई सुध ले रहा है इनकी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए राजस्थान सरकार जिस तरीके से युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। आज विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए हमारे 3 साथियों को पुलिस विश्वविद्यालय के अंदर से गिरफ्तार करती है और उन पर लाठियां बरसाती हुई उसको घसीटते हुए पुलिस थाने लेके जाती है। तो हमारी मांग देखो हम मतलब यहाँ है ना जो सब नॉर्मल फैमिली से बच्चा आता है तो मैंने धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ राजनीति मुद्दे उठाना शुरू किया, बच्चों के लिए संघर्ष करना शुरू किया, बच्चों के लिए काम करवाना शुरू किया तो बच्चे धीरे धीरे एक मतलब पहचान बनाए और धीरे धीरे ना आगे बढ़ता गया। लेकिन आज ये स्थिति को देखते अनुसार मैं ये बोलता हूँ कि काय का तो वो भाईचारा रह गई और काय की है ना जो वो एकता रह गई क्योंकि एकता गवर्नमेंट है ना हमारे को बिल्कुल तोड़ने में लगी हुई है, हमारे संघर्ष को बिल्कुल मजाक बना रखा है और हमारी छात्र शक्ति को बिल्कुल वो है ना जो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि छात्र एकता इतनी मजबूत और इतनी समर्थन हो सकती है। उन्होंने हमारे साथ इतना हमारे अधिकारों के साथ हमारी मतलब मजबूती के साथ अनन किया है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत घटिया मजाक किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो खुद को एक गांधीवादी कहते हैं और मैं खुद एक गांधीवादी तरीके से अंसर पर बैठा हूँ। आज न तो सरकार की तरफ से कोई है न प्रशासन की तरफ से कोई चेकअप करने आता है, या यूनिवर्सिटी से चेक करने आते हैं नॉर्मल बीपी चेक करते हैं निकल जाते हैं। 5 दिन हो गए आज लगातार घबराहट होती है, मेरे कई साथी की तबीयत भी खराब हो गई, वैसे ना समय पहुँच चुके तो मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है और वो करवाए एक बार इस फैसले पर पुनः विचार करें। सरकार के लिए तो यही है कि खुद को जो गांधीवादी बताया था तो वो फिर किस तरह के गांधीवादी है, एक गांधीवादी तरीके से हम बैठे हुए हैं तो संवेदनशीलता दिखाए और मुख्यमंत्री जिस फैसले पर पूरा विचार करें।
कि इस विश्वविद्यालय के अंदर जो विश्वविद्यालय का कुलपति है वो कुलपति क्यों नहीं छात्रों को कह रहा, वो क्यों नहीं शिक्षकों को कह रहा कि हम आपके ओपीएस की मांग के लिए मैं सीएम साहब के पास जाऊंगा, छात्र संघ चुनाव के लिए मैं आगे लेटर लिखूंगा। तुम लोग इस विश्वविद्यालय कुलपति हो, तुम दो दो ढाई ढाई लाख रुपए तंखा उठा रहे हो, यहाँ के शिक्षक ये सारे के सारे शिक्षक यहाँ पर डेढ़ लाख रुपए फीस ले रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आप देखिए पीजी की एक भी लिस्ट नहीं आई, और ये इस विश्वविद्यालय कोई धनी दौरी नहीं है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय, मैं ये कह रहा हूँ इस राजस्थान विश्वविद्यालय के ताले लग चुके हैं, आप देख लीजिए इसके ताले परमानेंट ताले इसके लग चुके हैं, ना ये कोई मांग उठा रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, मैं कहना चाहता हूँ छात्र संघ चुनाव अगर नहीं होंगे तो यहाँ का प्रशासन इतना तानाशाह हो जाएगा, ना यहाँ के छात्रों के कोई सुनने वाला होगा, ये आए दिन अपनी मनमर्जी करेंगे, आए दिन फीस बढ़ाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन जिम्मेदारी लेता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जब छात्र यहाँ पढ़ने आएगा ये उसकी बात सुनेंगे, कौन जिम्मेदारी लेता है जब आम छात्र कुलपति से मिलने जाएगा, वो कुलपति उनसे मिलेगा उनकी समस्या सुनेगा, आए दिन ये ऐसे ऐसे रोक लगा रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव सबसे बड़ी प्राथमिकता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी छात्र राजनीति से निकल कर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, संवेदनशील है, अपनी संवेदनशीलता दिखाए और राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव कराए।